हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट इयररिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हमें चाहिए हुक 0.5 mm, सीजर, ग्लू, इयररिंग हुक, प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई। नेक्स्ट चेन 1, इस रिंग में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे। थ्रेड को खींच के से टाइट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली स्टिच में, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट चेन 1, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली स्टिच में, फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट चेन 1, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट है। फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में, यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट चेन 1, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह 1-1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में, फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन 1, सेम स्टिच में 2
सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। नेक्स्ट फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में फर्स्ट वाली स्टिच है ये, यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 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 स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशे में फर्स्ट वाली स्टिच है ये, स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वाली स्टिच में फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन वन, बॉर्डर बनाएंगे, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट 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 स्टिच में स्लिप स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट चेन बनाएंगे, चेन वन। फर्स्ट वाली स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स बेस
रेडी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें स्टार्च लगाएंगे। बैक साइड में हमें स्टार्च अप्लाई करना है। इस तरह से बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे। अब हम इसे थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ चेन बनाए हैं, डबल चेन से बनाएंगे। थ्रेड को डबल करेंगे। नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट चेन वन। अब नीडल के ऊपर इस तरह से थ्रेड को घुमाएंगे, चेन बनाएंगे। हुक के ऊपर इस तरह से थ्रेड को घुमाना है, चेन बनाएंगे। थ्रेड को हुक के ऊपर डालेंगे इस तरह से, चेन बनाएंगे। थ्री चेन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन। नेक्स्ट थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। सिक्सटीन डबल चेन हमने बना लिए। फिर से हम थ्रेड को डबल करेंगे, नॉट लगाएंगे। चेन वन, हुक के ऊपर थ्रेड को इस तरह से घुमाएंगे, चेन बनाएंगे। चेन वन, चेन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। थ्रेड को कट कर लेंगे। इसमें हम टेन चेन बना लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लीफ बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से रिंग बनाना है। रिंग बन गई। नेक्स्ट चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, स्किप,
वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट इस रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे, थ्रेड को खिसके से टाइट करेंगे, फ्रेंड्स इस तरह से थ्री लीव्स बना लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम फाइव पैटर्न्स वाली इस फ्लावर को बनाएंगे। सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई। अब हम बनाएंगे चेन, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट इस रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट फिर से हम बनाएंगे फोर चेन, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से फाइव पैटर्न्स हम बनाएंगे। फ्रेंड्स फाइव पैटर्न्स हमने बना लिए, रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे, अब थ्रेड को खींच के से टाइट करेंगे, नेक्स्ट स्मॉल साइज के फ्लावर को बनाएंगे। टू पेटल्स वाले इस फ्लावर को बनाएंगे हम। एक रिंग बनाएंगे, नेक्स्ट चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, इस रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट फोर चेन, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे,
इस रिंग में स्लिप स्टिच लगाएंगे, स्ट्रेट को यहाँ से कट करेंगे, स्ट्रेट को खींच के टाइट करेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स अब ये रेडी है। फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर फ्लावर को चिपकाएंगे, इसे थोड़ी सी इस तरह से प्रेस करके शेप देंगे। नेक्स्ट बैक साइड में इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इसको थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे। नेक्स्ट फ्लावर के बैक साइड में ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरह से। फ्लावर को लगाएंगे, इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट सिक्सटीन चेन वाली इस डबल चेन को लेंगे, यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। नेक्स्ट एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी और ग्लू लगाएंगे, चिपका देंगे इस तरह से। इसमें ग्लू लगाएंगे, यहाँ इस तरह से इसे चिपका देंगे, शेप देना है इस तरह से। इस तरह से प्रेस करेंगे और चिपका देंगे। नेक्स्ट टेन चेन वाली इस डबल चेन को लेंगे, इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है कट करेंगे, थोड़ी सी और ग्लू लगाएंगे, इस तरह से चिपका देंगे। इसमें ग्लू लगाएंगे, इसको हम यहाँ से थोड़ी सी नीचे इस तरह से चिपकाएंगे, शेप देना है। ऐसे दोनों
दोनों को साथ में इस तरह से चिपका देंगे। ग्लू लगाएंगे थोड़ी सी, इसको यहाँ प्रेस करेंगे, चिपका देंगे। फ्रेंड्स अब हम टू पेटल्स वाली फ्लावर को लेंगे, इसे हम फ्रंट साइड में इस तरह से प्रेस करेंगे, शेप देंगे थोड़ा सा ऐसे। नेक्स्ट बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, अब हम इसको यहाँ चिपका देंगे। थोड़ी सी ग्लू बैक साइड में लगा लेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। प्रेस करेंगे इसे। नेक्स्ट लीफ लेंगे, बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, स्लीव को यहाँ चिपका देंगे। नेक्स्ट फिर से हम स्लीव में बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे। बैक साइड में फिर से ग्लू लगाएंगे। स्लीव को यहाँ मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट इस लीफ में भी बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को चिपका देंगे। यहां से कट कर लेंगे थ्रेड, एक्स्ट्रा थ्रेड है, नेक्स्ट बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, स्लीव को यहाँ इस तरह से
चिपका देंगे। बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को ग्लू के ऊपर चिपका देंगे, इसको यहाँ चिपका देंगे और कट करेंगे। थ्रेड को भी इसके ऊपर चिपका लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी सी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट टैसल बनाएंगे। टू फिंगर्स में इस तरह थ्रेड को घुमाएंगे, 1 2 3, इस तरह 40 टाइम्स थ्रेड को घुमाएंगे। 40 टाइम्स इस तरह थ्रेड को घुमा लिए हैं, अब इसको यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट थ्रेड को लेंगे, इसे डबल करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। नेक्स्ट मिडिल में इस तरह हुक को डालेंगे, थ्रेड को इस तरह से लगाएंगे, इसमें नॉट लगाना है, इस तरह से नॉट लगा लेंगे, इसको खींच के इसे टाइट करेंगे। मिडिल में इसे कट करेंगे। नेक्स्ट थ्रेड को इसके साथ इक्वल करके पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे, रोल करना है। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट इसे हम इक्वल करके कट कर लेंगे। टैसल रेडी है। नेक्स्ट थ्रेड को सिंगल करेंगे, यहाँ मिडिल में इसके बराबर यहाँ नीडल डालेंगे, थ्रेड को इस तरह से इधर लेके आएंगे, नॉट लगाएंगे यहाँ, तरह से नॉट लगाना है, टू टू थ्री टाइम्स यहाँ नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टैसल लगा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ इस तरह से इक्वल करके मिडिल में इसके बराबर यहाँ हुक लगाएंगे। हुक को खोलेंगे, और यहाँ हुक लगाएंगे, इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हुक लगा लेना है। फ्रेंड्स,
अब ये रेडी है। नेक्स्ट दूसरा वाला पीस भी हम इसी तरह बना लेंगे। इसके ऑपोजिट फ्लावर को चिपकाएंगे। इधर से हम फ्लावर को लगाए हैं, दूसरे वाले पीस में ऑपोजिट साइड से लगाना है। इस तरह से हम सेकंड वाले पीस भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से बना लिए हैं। इसके ऑपोजिट साइड में इस तरह से बनाना है। हमारे दोनों इयररिंग्स रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है ये। आप भी इसे बना सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करके इसे बना सकते हैं।